टैली मार्क्स की टीम के साथ जब हम स्कोपिंग कर रहे थे तो हमने बहुत सारे एलिमेंट ऐसे एडअप किए बीच में जो कि कुछ सिस्टम अवेलेबल थे, कुछ हमने एडअप करा गया नहीं, ये हमें चाहिए होते हैं। तो डेफिनेटली अब जो मार्केटिंग टीम है उसको क्या कुछ चाहिए, सेल्स वॉल्यूम चाहिए, उसने को प्रमोशन लॉन्च करनी है, उसको किसी क्लस्टर के सेल्स वॉल्यूम चाहिए, उसको किसी स्पेसिफिक मार्केट के सेल्स वॉल्यूम चाहिए या किसी एक स्पेसिफिक चैनल के सेल्स वॉल्यूम चाहिए टू रन एन प्रमोशन और जो कुछ भी। तो इससे हम उसको वो ऑन अ सिंगल क्लिक प्रोवाइड कर रहे होंगे। टेलीमार्क के साथ मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। इसमें आपके जो प्रोडक्ट मैनेजर थे या प्रोडक्ट टीम जो हमें डील कर रही थी, द गुड थिंग इज कि एक तो वो फ्लेक्सिबल थे, जो कि बड़ा अच्छा होता है कि आपको वो फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है तो आप खुल के आते हो कि यार। प्लस ही जो टीम थी उसको काम आता था, द सेकेंड पॉइंट उनको काम आता था, उनको काम का पता था इंडस्ट्री क्या करती है, तो वो हमें बड़ा फ़ायदा हो रहा था। उनको चीज़ समझाने में टाइम नहीं लगता था हमें, सम टाइम होता था कि हम बोलते थे, कहते सर आप ऐसे करते हैं बाकी इंडस्ट्री ऐसे करती है, तो अब हम एक बीच का रास्ता निकाल लेते थे कि यार चलो हमारा जिन ये कहता है इंडस्ट्री ये कहती है तो मिल के एक चीज़ निकाल लो उसके अंदर। तो ओवरऑल एक्सपीरियंस वॉज वेरी गुड। वीयर सेकेंडरी सेल इज नाउ बिकम अ पल्स ऑफ एवरी बिजनेस। देखो प्राइमरी आप कर लेते हो, ठीक है, अनटिल अनलेस दैट प्रोडक्ट गोज टू द शॉप और उसको कस्टमर पिक नहीं करेगा, आप प्राइमरी करने फायदे कोई नहीं। तो सेकेंडरी सेल बिकम अ पल्स ऑफ एवरी बिजनेस नाउ, ठीक है। पहले जो कंपनी कभी सोचती भी नहीं थी, नाउ दे आर टॉकिंग अबाउट दिस बिजनेस, दे आर टॉकिंग अबाउट PJPs, दे आर टॉकिंग अबाउट प्रोडक्टिविटीज, वो उस पर बात कर रहे हैं। जो कंपनियाँ पहले सेकेंडरी सेल को कुछ नहीं समझती थी, वो अब सॉफ्टवेयर लेने की बात कर रही हैं।